पब्लिक टीवी आपकी आवाज। वाणिज्य कर विभाग मुरादाबाद के सचल दलों ने पैसा कमाने के नए से नए तरीके इजाद कर लिए हैं। इन सचल दलों में नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी वाहनों की चेकिंग करते समय छोटी छोटी गलतियों के आधार पर वाहनों को पकड़ लाते हैं और वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय में खड़ा करवा देते हैं। उसके बाद इन गाड़ियों में ले जा रहे माल के स्वामियों का उत्पीड़न चालू हो जाता है। गाड़ियों को कई दिन तक खड़ा रखा जाता है और माल के स्वामी को परेशान किया जाता है। इसके बाद सचल दल के अधिकारी और कर्मचारी परेशान हो चुके व्यापारी को पकड़े गए माल पर लंबा चौड़ा टैक्स कैलकुलेशन दिखाकर डराते धमकाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर टैक्स बार एसोसिएशन ने मंडलायुक्त को बताया कि जुलाई माह में दो सचल दलों ने माल से भरे वाहन पकड़े थे। दोनों में करीब 35 लाख रुपए का माल था। इसके कोई प्रपत्र भी नहीं थे। 20 दिनों के बाद बीच का रास्ता निकालकर कम टैक्स जमा कराकर माल और वाहन दोनों को छोड़ दिया गया। इस मामले का पता चलने पर जब अधिवक्ताओं ने सचल दल अधिकारियों से जानकारी करने की कोशिश की तो मामला खुलने लगा और अधिकारियों द्वारा पूरी रकम जमा करा दी गई। एक ग्रोह बना करके यहाँ पर काम किया जा रहा है। राजस्व की पूर्ण क्षति इसके अंदर जो है इन्वॉल्व है, जो कर रहे हैं ये लोग। व्यापारियों को बदनाम करते हैं और काम चोरी के खुद करते हैं, और अगर इसकी सघन जांच की जाएगी तो बहुत बड़ा स्कैंडल एक सामने आएगा। और अभी हम कमिश्नर महोदय के पास आए थे और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे कमिश्नर महोदय इसको जो है पूरी तरीके से इसकी जो है निष्पक्ष जाँच कराएंगे और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला यहाँ पर मोबाइल स्क्वाड में जो एक ग्रुप बना करके यहाँ अधिकारी दलाल और कुछ प्रशासनिक यहाँ के अधिकारियों के साथ और कुछ कर्मचक व्यापारियों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा कर्मचर किया जा रहा है। उस संबंध में हम एक मैटर आया था हमारे संज्ञान में। अभी कुछ दिनों पहले एक गाड़ी रुकी थी जिसमें कि एक्चुअली में लीगली 35 लाख रुपये जमा होना चाहिए था, मगर इन्होंने उस 35 लाख न जमा करके उसके फोर्जरी करके बिल बनाए और कुछ जो रजिस्टर्ड व्यापारी थे उन व्यापारियों को के बिल बना करके उनके माध्यम से मात्र 9 लाख रुपए जमा करा करके वो माल छोड़ दिया गया। अब अगर ये मैटर अगर नई संज्ञान में आया होता, नहीं उखड़ता, तो ये पूरा 24-25 लाख रुपए का सरकार को चूना था। अच्छा, ये मामला संज्ञान में आया गया था। मामला संज्ञान में आया कि जब भी कोई आदमी काम करता है तो कुछ ना कुछ कमियाँ छोड़ जाता है। इन्होंने इसमें नियम ये है कि अनरजिस्टर्ड अगर आदमी होगा तो उसका 100% सिक्योरिटी जमा होगी और रजिस्टर्ड होगा तो टैक्स का 2 गुना होगा। अब टैक्स के 2 गुने के चक्कर में इन्होंने 3 अननोन व्यापारियों की आईडी और फर्जी बिल बनाकर उस पर माल छोड़ दिया। व्यापारियों को जानकारी नहीं, व्यापारियों को जब जानकारी हुई इस माल में, क्योंकि अब सब ऑनलाइन सिस्टम है, अगर पहले की तरह होता तो कुछ नहीं समझ में आता, अब चूँकि ये ऑनलाइन सिस्टम है, जब व्यापारियों की आईडी पर ये चीज़ पहुँची तो उन्होंने कहा साहब, वो अपने अधिवक्ताओं से मिले, उन्होंने कहा मैंने तो कोई पैसा जमा ही नहीं करा इसमें, ना मैंने पैसा जमा कराया, ना मेरे बिल हैं, ना वे, तो उस चीज़ को फिर हम लोगों ने इसे उखाड़ा देखा तो जब इन्हें ये पता चली कि ये वकीलों के पास मैटर पहुंच गया हैगा और ये सब चीज़ें खुल जाएगी, तब इन्होंने जो माल छोड़ा था उसको पता नहीं कहाँ से लेके आए, छोड़ी आ ही नहीं सकता, पहले माल छोड़ दिया फिर 9 लाख रुपये जमा करके, उसके बाद फिर 35 लाख रुपये जमा करके माल छोड़ना दिखा रहे हैं। तो जब तुम एक हफ्ते पहले 15 दिन पहले उस माल को छोड़ चुके हो तो फिर वो माल दोबारा कहाँ से आ गया भाई, वो फिर दोबारा किसे छोड़ दिया, और पहले किसे छोड़ा था और दोबारा किसे छोड़ा। बहुत बड़ा स्कैंडल, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और इसमें अब ये सब ये पपोती में लगे हुए हैंगे और कुछ नहीं है। मुरादाबाद में वाणिज्य कर कार्यालय में जीएसटी विभाग में जो सचल दल का एक विंग है हमारे यहाँ, तो सचल दल अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से मनमानी की जा रही है, गलत तरह से वसूली की जा रही है। अपने मनमानी के हिसाब से किसी भी वाहन को रोकने के बाद अगर बिल नहीं है तो जिसे चाहते हैं उसका मालिक मान लेते हैं माल को, और जिसे चाहते हैं मालिक नहीं मानते। और दूसरा यहाँ पर कष्ट की बात यह है कि सचल दल अधिकारी अपने आप को कमिश्नर से भी ऊपर मानने लगे हैं और अधिवक्ताओं को बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं देते और दलालों के माध्यम से यहाँ कार्य किया जा रहा है। इसकी एक शिकायत हमने 20 तारीख को 20/9 को माननीय मुख्यमंत्री जी को की थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी को करने के बाद आज हम उसी उसमें जो है एडिशनल कमिश्नर द्वारा उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही है।
इसलिए यहाँ पर माननीय कमिश्नर महोदय के यहाँ आए हैं शिकायत के लिए। क्या शिकायत थी? शिकायत यह है कि एक मामला ऐसा यहाँ पर अभी संज्ञान में आया कि बहुत भारी राजस्व की क्षति की जा रही थी, और जो मामला फोर्जरी का मामला था, और वो मामला खुलने के बाद, जो खुलने से पहले तो उसमें 9 लाख रुपए जमा करा लिए गए लगभग, और उसके बाद जब मामला अधिकारियों ने खुलता हुआ देखा तो उसमें 35 लाख रुपए अपने पास से जमा कराया या दलालों के माध्यम से जमा कराकर उसके मामले को फाइल बंद करके लीपापोती कर दी गई। अगर वो मामला संज्ञान में नहीं आता तो जिस तरह से ये करते चले आ रहे हैं अधिकारी यहाँ से चल दल के, उसी तरह से इस मामले को भी शॉर्ट आउट करके मामले को खत्म कर दिया जाता। अच्छा, कमिश्नर साहब को एविडेंस सौंपे गए हैं? कमिश्नर साहब को सारे एविडेंस दिए गए हैं, पूरी कमिश्नर महोदय ने यहाँ पर फाइल मंगवा ली है और उसकी जाँच का पूरा तरह से आश्वासन दिया है। क्या लगता है कौन संलिप्त? इसमें एक्चुअली क्या है कि यहाँ कोई भी किसी भी निम्न अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर या सेल टैक्स ऑफिसर जो हैं, जांच अधिकारी जो हैं, उनका इतना हौसला नहीं है कि वो इस तरह के काम कर लें। यहाँ पर जो बड़े उच्च अधिकारी तैनात हैं उनका उसमें पूरा सपोर्ट है, संरक्षण प्राप्त है नीचे के अधिकारियों को। और इससे क्या है कि मेन हमारी जो राज्य सरकार है इसकी छवि धूमिल हो रही है, बाहर के दूसरे प्रदेशों की भी गाड़ियाँ रुकती हैं, जिसकी वजह से यूपी का नाम बदनाम हो रहा है प्रदेश का, सरकार का, हमारी। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।